हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा। तो हमने लिया है एक बैंगन, दो टमाटर, दो आलू, रेड चिली, ग्रीन चिली और गार्लिक। यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, इसमें सारी सब्जियाँ काट करके इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे 2 चम्मच। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाफ चम्मच नमक लिया है और इसे 3 विसल आने तक पका लेंगे। 3 विसल के बाद गैस ऑफ कर देंगे। देखिए ये पक गया है। यहाँ पे मैंने आटा लिया है जिसमें मैंने अजवाइन, करेल, नमक और थोड़ा सा ऑयल लेके इसको मिक्स कर लिया था। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको डो रेडी कर लूँगी। देखिए यहाँ पे हमें लिट्टी के लिए सॉफ्ट डो चाहिए होता है, तभी लिट्टी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मेरा आटा रेडी हो गया है। देखिए ये आटा रेडी हो गया है और इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हम आटे को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं भरता बना लूँगी। अपने कुकर से निकाल ली थी सारी सब्जियों को, और अगर आप चाहें तो छिलके निकाल सकते हैं। मैं यहाँ छिलके के साथ इसे मैश कर लूँगी। यहाँ पे मैं मैश कर रही हूँ कि मैंने मैश कर लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 चम्मच अचार का मसाला लूँगी और यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच नमक लूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे, और 1/2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा चोखा रेडी हो गया है। अब हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो स्टफिंग के लिए हमें चाहिए सत्तू, प्याज, नमक, अजवाइन, करेल और अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने तड़का लगाना है सत्तू में, तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल है ये। यहाँ पे मैं अजवाइन करेल डाल दूँगी तड़के में, और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो लिया था वो ऐड कर दिया है। इसे सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे, उसके बाद ही इससे हम सत्तू में तड़का लगाएंगे। देखिए हमारा तड़का रेडी हो गया है। इसे हम अब चलिए सत्तू में तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सत्तू में तड़का लगाया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी प्याज कटे हुए। इस कच्चे ही प्याज इसमें अच्छे लगते हैं, अगर मैं इसे फ्राई कर दूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये मेरा मिक्स हो गया है। सब जगह पे हम लोग सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे लिट्टी फ्राई करने के लिए। तो चलिए देखते हैं लिट्टी कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डो लिया है और इससे मैं पेड़े बना लूँगी और 4-5 लोइयां बना लूँगी, जिससे हम लिट्टी बनाएंगे। तो यहाँ मैं ये लोइयां बना ले रही हूँ। सारे पेड़ों का लोई बना लेंगे और एक लोई लेंगे, बीच में अंगूठा रखेंगे और चारों उंगलियों से इसे राउंड करते जाएंगे, तो एक कटोरी बन जाएगी। और इसमें कटोरी में हम जो सत्तू का स्टफिंग बनाया था ये इसमें हम बीच में भर देंगे 1 चम्मच, और चारों 5 उंगलियों से इसे जोड़ लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसको निकाल देंगे। और देखिए ये वापस इसे फ्लैट कर देंगे तो ये लोई बन जाएगी, और इससे हमारी सारी लिट्टियाँ बन गई हैं। देखिए ये लिट्टी बन गई। हमारा लो मीडियम पे तेल गरम हो चुका है, लो मीडियम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। अगर हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो लिट्टियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी, अच्छे से सिकेंगी नहीं। तो इसे हम उलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे 10-15 मिनट तक बढ़िया। देखिए ये 10-15 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, क्योंकि अगर इसे हम जल्दी निकाल देंगे और जल्दी से हाई फ्लेम पे इसको निकाल देंगे तो ये अच्छे से
फ्राई नहीं हो पाएंगी अंदर से, वो कच्ची रह जाएंगी। देखिए कैसे फूल रही हैं ये। यहाँ पे मैंने और लिट्टी बना ली है और ये मेरी लिट्टी हो गई है, तो इसे हम निकाल देंगे। देखिए बारीक की लिट्टियों को भी हम ऐसे ही लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। देखिए सारी लिट्टियाँ हम ऐसे ही डाल लेंगे और सारी लिट्टियों को उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में देखिए कितनी अच्छी फुली फुली बन रही हैं। तो ऐसे ही हम सारी लिट्टियाँ फ्राई कर लेंगे। ये मेरी लिट्टी दूसरा बैच भी हो गया है। देखिए मेरी सारी लिट्टियाँ तैयार हो गई हैं, कैसे अच्छे फुली फुली बनी है। तो मेरा यहाँ पे लिट्टी चोखा रेडी है, देखिए बन गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक।